आज हम लोग BMBS ब्रेक सिस्टम के नॉर्थ ब्रिम्स ब्रेक सिलेंडर के प्राइमरी ब्रेक बीम के ब्रेक हेड आज चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज किया जाता है आज हम लोग देखेंगे। ये ब्रेक बीम का हेड है। ये हेड में ये देखिए, ये है ब्रेक हेड सेफ्टी पिन के बा सेफ्टी लॉक के। ये है सेफ्टी स्प्लिट पिन। ये स्प्लिट पिन से ये पिन के लॉक किया जाता है। और ये जो ब्रेक हेड पिन है, ये पिन के लेंथ है, ये टोटल लेंथ है 142 mm। इसका जो टॉप पोर्शन है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप का लेंथ है 25 mm। सेकेंड स्टेप के ये लेंथ है 25 mm। और ये जो स्टेप है, कार्व स्टेप है, ये है 2 mm। और ये लास्ट स्टेप का ये लेंथ है 90 mm। इसका जो पोर्शन का जो डाया है, ये है 12 mm। और टॉप पोर्शन का जो डाया है, ये है 25 mm। ये आज हम लोग देखेंगे ये कैसे ब्रेक हेड चेंज करेंगे। वो ब्रेक हेड पिन के सेफ्टी पिन के स्प्लिट पिन के हम पहले बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसका जो पिन है, ये ब्रेक हेड के पिन, इसका हम बाहर लाएंगे। उसका बाद जो मेरा ब्रेक हेड में ब्रेक ब्लॉक का जो स्प्लिट पिन है, इसका हम करेंगे। ये उल्टा से फिट किया था तो इसका थोड़ा पिन ब्रेक की इसका बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम व्हील और ब्रेक ब्लॉक में हम गैप तैयार करेंगे। ये गैप नहीं तैयार होगा तो मेरा ब्रेक हेड ब्रेक ब्लॉक बाहर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए अंदर पिन। हाँ, अभी हम लोग देख लिया जे मेरा गाड़ी रिलीज पोजीशन में है। ये हम जान गया जे मेरा साइड फ्रेम में टच रहेगा, मेरा APM सेंसर का जो पॉइंट है मेरा टच रहेगा तो ब्रेक एप्लीकेशन पोजीशन में रहेगा और मेरा व्हील और चक्का में ग्रिपिंग रहेगा। तो हम ब्रेक ब्लॉक और व्हील में हम गैप कर नहीं पाएंगे। तो हम पहले हमको रिलीज कंडीशन में हमको लाने होगा। तो अभी मेरा ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। ब्रेक और रिलीज पोजीशन गैप बिटवीन द साइड फ्रेम टॉप एंड APM सेंसर पॉइंट। इस बार हम गैप बनाएंगे। ये मेरा नॉर्थ ब्रिम्स का जो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है, मेरा स्कॉट का मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिलीजिंग एंड एप्लीकेशन होता है। तो ये मेरा अभी जो ब्रेक सिलेंडर, मेरा जो पिस्टन का रैम जितना बाहर है वो और भी मेरा धकल के हम धकेलेंगे हम ये रैम के, तो अंदर चल जाएगा और मेरा व्हील और ब्रेक ब्लॉक में गैप बन जाएगा। तो देखिए हम इसका धकेलता है और मेरा पिस्टन का जो रैम है ये अंदर चल जाएगी। ये मेरा गैप बन गया। आप देखेंगे वो मेरा कितना गैप बना। ये मेरा देखिए व्हील और ब्रेक ब्लॉक में कैसे गैप बन रहा है। ये मेरा इतना गैप बन गया जे हम बहुत आसानी से हम ब्रेक हेड हम चेंज कर देंगे। ये देखिए हम ब्रेक ब्लॉक का हम बाहर लाया। बाहर लाने के बाद हम ये ब्रेक हेड पिन, हम ये ब्रेक हेड के जो सेफ्टी पिन है, ये पिन के हम बाहर लाया। इसके बाद ब्रेक हेड के भी हम खोल दिया। ये खोलने के बाद हम देखें हम लोग क्यों ब्रेक हेड चेंज करता है। ब्रेक हेड चेंज करने का मेरा हम लोग का कारण होता है जे ब्रेक बाइंडिंग के कारण मेरा ब्रेक ब्लॉक ख़त्म हो जाने के बाद भी मेरा ब्रेक ब्लॉक का जो शू है
ये मेरा फ्रिक्शन से ये मेरा व्हील और ब्रेक हेड से ये बहुत फ्रिक्शन से आग स्पार्क होता है और मेरा व्हील के भी वो डैमेज कर देता है। ब्रेक हेड हम लोग चेंज करता है, ये है ब्रेक हेड। ये ब्रेक हेड देखिए हम लोग कैसे ये फिट किया जाता है। ये ब्रेक हेड में ये BMBS ब्रेक BMBS वैगन में मेरा 58 mm का थिकनेस का ब्रेक के टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। तो ये मेरा ब्रेक ब्लॉक मेरा सही है, इसीलिए इसी का हम लगा देंगे। ये देखिए ये कैसे ये फिट किया जाता है। ये ब्रेक हेड के मेरा ये है टॉप पोर्शन, इस पोर्शन में मेरा ब्रेक हेड सेफ्टी पिन के हम ये फिट करेंगे। इस बार मेरा जो पिन है सेफ्टी पिन ये मेरा सेफ्टी पिन फिट हो गया। ये हो जाने के बाद हम सेफ्टी मेरा जो स्प्लिट पिन है ये स्प्लिट पिन के हम फंसाएंगे ये अंदर से। ये हम ब्रेक ब्लॉक ब्रेक हेड के ये मेरा जो सेफ्टी स्प्लिट पिन है ये स्प्लिट पिन के हम फंसा दिया। फंसा देने के बाद हम इसका हम थोड़ा से ये कर देंगे। चलो ये हम ब्रेक ब्लॉक फिट हो गया मेरा ब्रेक ब्लॉक ब्रेक हेड में। और हम स्प्लिट पिन भी हम 90 डिग्री से हम कर दिया। मेरा ये फिट हो गया ब्रेक हेड में ब्रेक ब्लॉक। ये मेरा नॉर्थ प्रिम्स का ब्रेक प्राइमरी ब्रेक बीम में ब्रेक हेड चेंज किया। ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए। या थैंक यू।